My name is Kanika and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, हम prepare करेंगे tomato रसम की recipe. ये जो tomato रसम की recipe है ये South India में बहुत ज़्यादा famous है. North India में लोग South की इडली डोसा सांभर यही खाते हैं, रसम बहुत कम लोगों को पता है. तो मैं authentic तरीके से ये रसम की recipe prepare करूँगी. Step by step I'll tell each and every ingredient that is being used. और मैं कोई भी आप जिसे कहते हैं रसम मिक्स पाउडर वो यूज़ नहीं करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टोमेटो रसम बनाने के लिए पहले हम लोग दो बोल ले लेंगे, एक छोटा बोल है एक बड़ा बोल है. जो छोटा बोल है उसमें हम लोग इमली डाल के उसमें पानी डाल देंगे, उसको 5 to 10 मिनट सोक करने के लिए अलग से रख देंगे. फिर हम ले लेंगे टमाटर. टमाटर जो है वो आपके पास अगर पका हुआ है तो प्लीज़ यूज़ दैट. मेरे पास बहुत ज़्यादा पका हुआ टमाटर नहीं था. वो क्यों आपको मैं बोल रही हूँ वो आगे आपको कुछ समझ आएगा. फिर ले लेंगे करी लीव्स जो हर साउथ इंडियन डिश में यूज़ होता है. साथ ही हम यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़. ग्रीन चिलीज़ आप 2 to 3 भी ले सकते हैं, मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें तीखा खाना पसंद है. खड़े मसाले में हम लोग रेड चिली ले लेंगे. 2 टेबलस्पून हम लोग ले लेंगे जीरा और 1 टेबलस्पून ले लेंगे खड़ी काली मिर्च. फिर हम लोगों ने मस्टर्ड सीड्स ले लिए हैं. फिर हम लोगों ने हींग ले लिया है और घी भी हम लोग यूज़ करेंगे. अगर आपके पास घी नहीं है तो यू कैन यूज़ एनी अदर एडिबल ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल. फिर हमारा जो बेसिक मसाला है जो आपका हल्दी पाउडर हो गया, मिर्च पाउडर हो गया और सॉल्ट वो यूज़ करेंगे. फिर ले लेंगे गुड़. गुड़ अगर आप इसमें डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और एंड ऑल्सो कोरिएंडर लीव्स. जीरा और काली मिर्च को हम लोग एक मैशर में मैश कर लेंगे. इसको बहुत ही फाइनली मैश नहीं करना है, हम लोग को इसको दरदरा रखना है. सेकेंड स्टेप में अदरक ग्रीन चिलीज लहसुन और करी पत्ता को भी हम लोगों को मैशर में मैश कर देना है. एंड नाउ ऑल द 4 थिंग्स आर मैश्ड, नॉट वेरी रिफाइंड बट येस कोर्सली. तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों मसालों को साइड में रख दिया है. इधर जो हमारी इमली थी वो सोक हो रही है. अब हम आएंगे हमारे टोमेटोज पे जिसको हम लोग करेंगे मैश. तो पहले हम लोग इसको कट कर लेंगे इनटू 4 or 2 स्लाइसेस अकॉर्डिंगली. जो हमारा टमाटर है वो हम लोगों ने सारा काट दिया है और हम लोग एक पोटैटो मैशर ले लेंगे और इसको मैश करेंगे. यहाँ पे अगर आपके पास काफ़ी पके टमाटर होते तो वो इजीली मैश हो जाता, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता. अगर सिंस ये जो टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा है तो मुझे 15 मिनट लग गया इसको मैश करने में. तो आप देखिए कि ये अल्टीमेटली मैश हो गया है एंड आई हैव ऑल्सो यूज माई हैंड्स टू मैश इट. अब लास्टली क्या करना है, इसका जो छिलका है उसको हम लोग को हटाना है और पल्प रखना है. तो इसका छिलका एक एक करके हम लोग हटा देंगे और सिर्फ हमारा पल्प रहेगा. इधर जो हमारा इमली है वो भी सोख हो गया था, हम लोग फिर इमली का भी छिलका हटा देंगे और जो हमारा पानी बचेगा उसको डाल देंगे इस टमाटो में. बनाते बनाते ही मुझे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे खट्टा खाना बहुत पसंद है और रसम मेरा फेवरेट है. लोअर मीडियम फ्लेम पे हम लोग चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ घी या फिर जो भी एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं. फिर डालेंगे हम लोग इसमें हींग, हमारा मस्टर्ड सीड्स, हमारा मेथी सीड्स, हमारा करी लीव्स एंड ऑल्सो द रेड चिलीज. इसको हम 2 मिनट के लिए चलाएँगे. फिर जो हम लोगों ने मैश किया था ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डाल देंगे. आफ्टर 2 मिनट जो हम लोगों ने इमली और टमाटर की प्यूरी टाइप बनाई थी उसको इसमें डाल देंगे एंड अलॉन्ग विथ इट हम लोग ऐड करेंगे इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर. 2 से 3 मिनट तक हम लोग इसको लोअर मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे. फिर हम लोग जो जीरा और काली मिर्च का हम लोगों ने पेस्ट बनाया था विल ऐड दैट एंड बेसिक मसाले जो हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, इन केस आपको तीखा खाना पसंद है यू कैन ऐड दैट एंड ऑब्वियसली सॉल्ट. सॉल्ट आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा, देख लीजिएगा जितना पानी आप लोगों ने डाला है ताकि आपका नमक कम नहीं लगे. फिर हम लोग ऐड करेंगे गुड़ और जागरी. जागरी ऐड करने से आपका जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाता है. फिर आप देखिए ये खुद ही साइड साइड से पक रहा है. फिर लास्टली हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे टू एनहांस द टेस्ट और फिर हम इसको चला देंगे.
फाइनली हमारा रसम हो गया है रेडी, तो मैं इसको कर रही हूँ सर्व। रसम को आप राइस और पापड़ के साथ खाइए तो बहुत टेस्टी लगेगा ये। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी वंस।